हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 13 पार्ट 8 पढ़ा जाएगा। जो भी अगला पार्ट मिस्टेक हो उसी के क्रम में आगे का ये पार्ट है। हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पारिस्थितिक संगठन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। संरचनात्मक रूप क्या है इसके, किसी समुदाय समिष्ट पॉपुलेशन जो भी चीजें हैं, बायोम इकोलॉजी सारी चीजें, इकोसिस्टम सारी चीजें इसमें सन्निहित हैं। आखिर ये है क्या, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, इसी के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। चलिए चलते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बच्चों एक्टिव कंपोनेंट सक्रिय क्रियाशील जो कंपोनेंट घटक होते हैं, जीवों के क्रियाशील घटक फाउंड इन इकोलॉजिकल किंगडम, वो कहाँ पाए जाते हैं, इकोलॉजिकल किंगडम पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी समुदाय में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। पारिस्थितिकी समुदाय में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं इन ए रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन एक क्रमबद्ध संगठन से, और इन असेंडिंग ऑर्डर एक बढ़ते हुए क्रम में, लोअर हायरार्की से हायर हायरार्की निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ व्यवस्थित होते हैं, इसी को इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पारिस्थितिक संगठन जितने भी जीव के क्रियाशील घटक होते हैं वो पारिस्थितिक समुदाय में एक क्रमबद्ध बढ़ते हुए क्रम में उपस्थित होते हैं, इसी को पारिस्थितिक संगठन के नाम से जानते हैं। Each level जो है ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव का जो लेवल होता है वह एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव का जो स्तर होता है ऊर्जा प्रवाह और पोषक पदार्थों के साइकिल चक्र को प्राप्त करती है या साइकिल को सपोर्ट इसे प्राप्त होता है, इसे सहयोग मिलता है, यही है पारिस्थितिक संगठन। तो पारिस्थितिक संगठन इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एक्टिवली प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एंड obtain support from ecological organization by the energy flow and nutrient cycle। चलिए चलते हैं अगला है, ये कई भागों में इसको बांटा गया है ecological organism। पहला individual organism, समिष्ट जीव जो होता है, ये व्यष्टिगत जीव समिष्ट इसको कहते हैं। इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, ये क्या है, बेसिक यूनिट है बच्चों, आधारी इकाई है, ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पारिस्थितिक संगठन का यह आधारी इकाई है, पारिस्थितिकी संगठन का ये क्या है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट है, आधारी इकाई है। इसके अंतर्गत ईच ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जीव इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म, एक विशिष्ट रूप में, किस रूप में होते हैं, विशिष्ट रूप में, किसके अंतर्गत, फिजियोलॉजी कार्यकी बिहेवियर व्यवहार डिस्ट्रीब्यूशन वितरण एंड एडाप्टेशन इज ऑब्टेन, अनुकूलन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव एक विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत, किसके द्वारा, फिजियोलॉजी उसकी कार्यकी क्या है, बिहेवियर व्यवहार क्या है एंड वितरण क्या है, और उसका उस एनवायरमेंट में एडॉप्टेशन अनुकूलन क्या है, इसी के अंतर्गत वह एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा है बच्चों पॉपुलेशन, समिष्ट समुदाय, इसमें लिव इन ए प्लेस इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ए फिक्स प्लेस इन ए फिक्स एरिया लिव इन ओनली वन स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज
पॉपुलेशन लिव इन ओनली वन स्पीसीज इन ए कांस्टेंट टाइम इन एरिया, एक फिक्स समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक ही जातियां पाई जाती हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ पॉन्ड फिशेज, जैसे पॉपुलेशन ऑफ पॉन्ड फिशेज तालाब या पोखरे की मछलियों का समुदाय, केवल एक ही चीज है, क्या है, मछलियों का समुदाय की बात है। पॉपुलेशन ऑफ व्हीट इन व्हीट फील्ड, पॉपुलेशन ऑफ व्हीट गेहूं की प्रजाति इन ए व्हीट फील्ड, गेहूं के खेत में गेहूं की प्रजाति। इसी तरह से दूसरा है बच्चों कम्युनिटी समुदाय, यहाँ भी क्लियर है, इन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ए कांस्टेंट एरिया ए कांस्टेंट टाइम लीव मेनी स्पीसीज, उसमें मेनी स्पीसीज बहुत सी जातियों का एक समुदाय होता है, जैसे प्रेजेंट इन मेनी स्पीसीज इन ए पॉपुलेशन, एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी वन का समुदाय, वन का फॉरेस्ट समुदाय, वन में बहुत से जीव, शेर, चीता, भालू, हिरन, घास, टाइगर, मैंने तमाम बहुत से मेनी स्पीसीज लिव इन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सो नोन एज द कम्युनिटी, समुदाय इसको कहते हैं, एक समूह है मेनी स्पीसीज बहुत सी जातियों का। तो बच्चों इसके अंतर्गत जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी है, घास के मैदान में ग्रासलैंड कम्युनिटी में हर्बिवोर्स हैं, उनको लेने वाले कार्निवोर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ग्रासहॉपर्स हैं, काउज एंड बफेलो उसको चरने के लिए हैं, तमाम स्पीसीज हैं, भिन्न भिन्न जातियां। दूसरा पॉन्ड कम्युनिटी एंड डेजर्ट कम्युनिटी, डेजर्ट पोखरे की समुदाय और रेगिस्तानों की समुदाय इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बच्चों इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, आप जानते हैं कि सभी जीवधारियों एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु बैक्टीरिया फंजाई सब का इसके अंतर्गत क्या है, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह, उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, एक फूड चेन खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत एनर्जी फ्लो, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक का सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, इससे क्या लग रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उसी को कहा जा रहा है बच्चों एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, और पोषक पदार्थों का पुनः चक्रण इन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह और पोषक पदार्थों का पुनः चक्रण किसके द्वारा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैवीय या जीवीय या जैव घटकों तथा अजैव घटकों के द्वारा जो है ऊर्जा का प्रवाह और पोषक पदार्थों का पुनः चक्रण इस इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत डील किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा है लैंडस्केप दृश्य भूम फॉर्ड बाय मेनी इकोसिस्टम, लैंडस्केप क्या है, फॉर्ड बाय मेनी इकोसिस्टम, बहुत से परितंत्रों द्वारा पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा इसका निर्माण होता है। स्टडी दी इन विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एक्टिविटी इन परफॉर्म एंड स्टडी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इन विच उस प्रकार के इकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रक्रियाओं का, प्रोसेस का, इस पर फार्म जो उत्पन्न होती है या निर्मित होती है उनका कैसे अध्ययन किया जाता है उसी का पता इस लैंडस्केप के अंतर्गत लगाया जाता है। बायोम या जीवों, इट इज ए नेचुरल एंड इट इज नेचुरल ए प्राकृतिक एंड परमानेंट नेचुरल एंड परमानेंट डिस्क्रिप्टिव बृहत एरिया ऑफ इकोसिस्टम, ये जीवों के अंतर्गत बच्चों
बायोम जो है प्राकृतिक और अस्थाई बृहत परितंत्र का क्षेत्र होता है। बायोम क्या है, ये तो प्राकृतिक एक है, नेचुरल है, एंड बृहत ये बहुत ही लार्ज है, डिस्क्रिप्टिव है, एरिया ऑफ इकोसिस्टम परितंत्र का। इसके अंतर्गत टू टाइप होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल स्थली एंड एक्वेटिक जली। इसके अंतर्गत जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जैसे जल के अंतर्गत पाए जाने वाले और स्थल के अंतर्गत पाए जाने वाले तमाम एग्जाम्पल्स हैं। अब बायो स्फीयर बच्चों, जैवमंडल, इट इज ए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बायोस्फीयर जो है ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पारिस्थितिक संगठन का सबसे बृहत या बड़ी इकाई है। ये सभी जीवधारियों के द्वारा, सभी कम्युनिटी के द्वारा मिलकर बना होता है। इसकी जो है रेंजेज है पूरे जीवों में 22.5 किलोमीटर है, कहां से समुद्र तल से लेकर के पहाड़ों की ऊंचाई तक, शीर्ष तक की मोटाई। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। जलमंडल बायोस्फीयर एक्चुअली द एरिया ऑफ लैंडस्केप इन विच फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड कंप्लीटेड और लाइफ साइकिल, विच इज नोन एज बायोस्फीयर। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, जो है जलमंडल, स्थल मंडल एंड वायुमंडल। जल का वह क्षेत्र जहां तक जीव उपस्थित हो उसे जलमंडल, स्थल का वह क्षेत्र जहां तक जीवधारी जीवित अवस्था में रह सकते हैं, जीवन चक्र पूर्ण कर सकते हैं, स्थल मंडल, और वायुमंडल उसमें जितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन है कोई भी जीव जीवित अवस्था में रह सकता है उसको वायुमंडल कहते हैं। अर्थात जैव मंडल का निर्माण, बायोस्फीयर का निर्माण तीन भागों से मिलकर बना है, जीव मंडल का निर्माण तीन भागों से, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो बच्चों इसको पूर्ण रूप से देखें और तैयारी करें, वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।